Hi everyone, how are you guys? Okay, then now guys, आज बहुत ही important topic के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा topic है quadratic equation, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो guys, मैं अपनी video को हिंदी और English दोनों में देता हूँ, इसलिए देता हूँ ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी बोर्डों के बच्चे जो हैं मेरी वीडियो को वॉच कर सकें और इससे अधिक से अधिक जो है फायदा उठा सकें। तो गाइस, हमारा जो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में अवश्य आता है, तो इसलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for same journey. Find the speed of the train. हिंदी में समझ गए क्या मतलब है? ये कह रहा है कि एक जो ट्रेन है, एक रेलगाड़ी जो है, एक नियत गति से चलती है और जाना कितनी दूर है, उसको 360 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी है। वो कहता है कि जब जो है उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से बढ़ा दिया जाता है, तो वो जो है वो एक घंटा कम समय लेती है। किससे कम समय लेती है? पहले वाले से। यानी कि पहले केस में चाल कम थी तो समय ज्यादा लिया, दूसरे केस में चाल बढ़ गई तो समय कम लिया। तो गाइस, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको जो है ध्यान से देखना है। गाइस, मुझे जो है बहुत ही आसान से आप देखेंगे, सबसे पहले जो चीज हमें निकालनी हो उसको हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे हमें स्पीड का पता नहीं है, तो हम सबसे पहले स्पीड सपोज करेंगे। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। स्पीड का यूनिट होता है गाइस किलोमीटर पर आवर, एमपीएस सिस्टम का यूनिट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो डिस्टेंस दी है उसको हम लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। तो सबसे पहले गाइस हम पता लगाएंगे कि उसने जो है 360 किलोमीटर जाने में और एक्स स्पीड से जा रही है तो कितना समय लिया होगा। तो हम समय निकालेंगे गाइस, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हम निकाल रहे हैं, तो इसको सपोज मानिए, लेट हम मान रहे हैं T1, पहला टाइम, पहले केस का टाइम। तो डिस्टेंस हमारी है 360 किलोमीटर और स्पीड हमारी है गाइस एक्स किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना बचा, 360 अपॉन एक्स आवर, ये हमारा T1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे गाइस हम जो है न्यू स्पीड, अब उसकी स्पीड क्या हो रही है, अभी हमने बताया बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, एक घंटे में 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ रही है। तो न्यू स्पीड पहले कितनी थी एक्स की, अब कितनी होगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब जब स्पीड बढ़ी तो टाइम क्या होगा गाइस, कम होगा, तो हम टाइम निकालेंगे अगेन, तो T2 कह दीजिए, फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ लिखा है। तो डिस्टेंस उतनी है 360 किलोमीटर और स्पीड हमारी होगी गाइस एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब जो है ये काम हमने जो है अभी तक अपने हिसाब से किया, अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक घंटा का कम समय लेती है। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये कम लेता है कि ये कम लेता है, तो उसको सीखने का आसान ट्रिक मैं बता रहा हूं भाई। देखिए यहां स्पीड हमारी एक्स की, एक्स का मतलब मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर, यहां पर हमारी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, तो 10 इसमें की तो इधर कितनी होगी, 15 होगी। स्पीड क्या होगी, बढ़ी। जब स्पीड बढ़ी, गाड़ी जब तेज चलेगी तो हम जल्दी पहुंचेंगे कि लेट, जल्दी पहुंच जाएंगे, तो इसलिए इसमें जो है जल्दी पहुंचेंगे, तो जल्दी पहुंचेंगे तो इसमें जो है कम समय लगेगा और इसमें जो है ज्यादा समय लगेगा, बस इसी को ध्यान रखना है।
जिसमें ज्यादा समय लगा और जिसमें कम समय लगा उन दोनों को ध्यान में रखिए। ज्यादा में से कम को माइनस कर दीजिए, इजिकल टू जितना भी कहता है उतना लिख दीजिए, यही एक तरीका है। तो इसमें हम ज्यादा समय किसमें लग रहा है भाई, पहले वाले में लग रहा है क्योंकि स्पीड कम है। तो यानी कि हमारा इक्वेशन बना T1 - T2, पहले में से दूसरे को माइनस कर दीजिए, इक्वल जितने घंटे वो बोल रहा है उतना हम लिख दीजिए। T1 की वैल्यू 360 अपॉन x माइनस T2 वैल्यू 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1। नाउ टेकिंग द एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम, both will come the LCM because both are the different denominator, so x into x plus 5 and अब क्या होगा गाइस, LCM हमने ले लिया है, आप क्या करेंगे इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, x plus 5 बच गया, तो यानी कि x plus 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे कीजिए तो 360x plus 360 से x हो गया 360x, अब 360 से 5 को करेंगे गाइस तो 5 0 0 5 6 30, 3 3 5 3 15 प्लस 3 18, कैसे समझ में आया, माइनस एज इट इज। अब ये 360 से x को करेंगे गाइस तो 360x इज इक्वल टू 1 एज इट इज। अब देखिए गाइस 360x प्लस का 360x माइनस का, सो दे विल बी कैंसिल आउट, सो व्हाट इज द लेफ्ट हियर, 1800 इज देयर, देन अपॉन देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस वन, we will multiply x into x, x square plus x into 5, 5x will be equal to 1. Then now what to do? Here in left hand side is the fractional form and right hand side we will make the fractional form. Then now what to do? In middle if is the equal sign, then we will cross multiply. So cross multiply karenge guys. So what will come? x square plus 5x is equal to 1800. Then x square plus 5x minus 1800 will be equal to 0. So what is the form? क्या form है? Whose form is this? किसका form है? This is the quadratic equation form. ax square plus bx plus c is equal to 0. तो इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे गाइस। तो किससे कर रहे हैं? ओके गुड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्या कहता है, लास्ट से पहले को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया हमारा, इधर आ जाइए 1800 x स्क्वायर आना चाहिए और माइनस करने पे लास्ट से पहला साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस करने पे बीच वाले के बराबर, माइनस करने पे कितना आना है 5। तो व्हाट आर द फैक्टर क्या होंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए 2 900 2 450, देन 2 225 टाइम, देन 5 5 4 20, 5 5 55, देन 5 5 45, देन 3 3 9, देन 3 1 3, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1800। अब हमें पेयर बनाने हैं, ऐसे दो पेयर बनाइए जिन दोनों को माइनस करने पे 5x आना चाहिए। तो गाइस 2 2 4 4 8 8 5 40 और 5 3 15 15 3 45, ये कितना आया गाइस 45 आया, ये कितना आया 40 आया, 45 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, तो हमारे फैक्टर सही हो गए। अब लिखने का तरीका, फर्स्ट वाले को ऐसे लिखे, मिडिल वाले को नहीं लिखते हैं, स्प्लिट कर दिया हमने, इसकी जगह क्या लिखेंगे 45 एंड 40 प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 लास्ट टर्म एज इट इज। देन टेक द पेयर, फर्स्ट यू टेक द पेयर, देन 2 2 1 पेयर, देन व्हाट इज द कॉमन फ्रॉम फर्स्ट पेयर, x इज द कॉमन, देन x प्लस 45 इज देयर, देन माइनस व्हाट इज द कॉमन इज हियर 40 विल 40, if you divide by 40, so it will x minus minus plus 40, 45 ja 1800. Understood? X plus 45 and x plus 45 both are the same, so it means all factors are correct. So from one of them, we will take 1, x plus 45, and in another bracket, we will write x minus 40.
will be equal to 0. Then now what to do? Each we should equal to 0. So x plus 45 will be equal to 0. So x will be equal to minus 45. This is the negative 45. Negative 45 means invalid. Why? Why is it invalid? Because आपका जो स्पीड है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए दूसरे को जीरो के इक्वल दीजिए, x माइनस 40 इक्वल टू जीरो, ध्यान दीजिए x इक्वल टू 40, तो दिस इज द वैलिड वैल्यू। क्यों है वैलिड? क्योंकि जो स्पीड है ये पॉजिटिव नहीं होगी, तो इसलिए 40 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या आगे स्पीड, हमें क्या निकालनी थी, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी थी, तो आप लिखोगे हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज हाउ 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इज आवर आंसर। तो गाइस आपको समझ में आया होगा, तो इसी प्रकार से मैथ्स को आसान से आसान तरीके से सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।